और बांग्लादेश में जो माशाल्लाह हमें लोगों की मोहब्बत मिली है और अप्रिशिएट भी किया लोगों ने हमें, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बांग्लादेश वालों की। पहला एक्सपीरियंस अच्छा था इसलिए दोबारा भी मुझे ये खींच लाया है इसकी अट्रैक्शन। मुझे तो यहाँ का एटमॉस्फियर, यहाँ की हर चीज़ ऐसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। बहुत अच्छा लगा। एक तो बेशी ऑफकोर्स जेहेतु यही शेयरटोने होच्छे सो बेशीटाई रिजनेबल एक्चुअली। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर वेरी लाइकेबल इन आवर कंट्री बांग्लादेश। आई वुड लाइक टू टेक ए सम लेडीज ड्रेस। लेडीज ड्रेस आर वेरी नाइस। আসলে আমার কাছে মেডেলের জিনিসগুলোই ভালো লেগেছে আর কিছু কামিজ তো ভালো লেগেছে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিসিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। আজ বাত করতে বলে হ্যাঁ বাংলাদেশ কে অন্দর पाकिस्तान के स्टॉल लगाए गए हैं और बांग्लादेशी कितने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट को, और बांग्लादेश के अंदर लगने वाली ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट किन एशिया पे मुश्तमिल है, और वहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशी पाकिस्तानी चीज़ों को, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को कितना लाइक करते हैं, आज देखने वाले हैं पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर लगाए गए स्टॉल के बारे में, और उनका क्या कहना है, बांग्लादेश के अंदर उनको कैसा प्यार और मोहब्बत मिली, बांग्लादेश के अंदर उनका रहने वाला एक्सपीरियंस कैसा है, और वहाँ पे इनकी एशिया की क्या कीमत लगाई जा रही है और किस कदर इसको लाइक किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। ये सबसे पहली वीडियो होगी मेरे रिएक्शन की कि बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट के जो स्टॉल लगाए गए, जो पाकिस्तानी तिजारतों की तरफ से लगाए गए, तो बहुत ही हैरतअंगेज़ ये वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएँ ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। बांग्लादेश के दारुल खिलाफा ढाका के मुकामी होटल में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जरिए तमाम 5 रोज़ा दूसरी मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 100 से ज्यादा ताजरों ने 60 स्टॉल्स लगाए। इन स्टॉल्स में टेक्सटाइल की मसनूआत, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, पंखे, बैंक, ज्वेलरी, PIA, CNG किट्स समेत बाकी चीज़ें भी शामिल थी। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है इस नुमाइश का बड़ा हदफ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग है। आप यहाँ के क्राउड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ कितनी पॉपुलर हैं, और हम समझते हैं कि सार्क रीजन के अंदर अगर हमने इस एरिया को डेवलप करना है तो रीजनल तरक्की देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी मार्केट यहाँ मौजूद है। हमें इंडस्ट्रीज को, हमारे बिजनेसमैनों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान के लिए जो है एक सर्विस के तौर पर इसको जो है वो करते हैं, और इसमें जो है हमारा जो है तआवुन आपको और हमारा जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है, और यही ख्वाहिश है हमारी कि हम मेड इन पाकिस्तान को जो है दुनिया के हर कोने में लेकर जाएं। तकरीब का इफ्तिताह करने वाले बांग्लादेश के वजीर तिजारत GM कादिर का कहना है पाकिस्तानी मसनूआत अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। This is a good thing. Pakistani, this type of exposures not only just exposes the products, they exposes the business potential of both the countries. And we are hopeful that we'll be having similar sort of fairs in Pakistan within a short time. Bangladesh mein tainat Pakistan ke High Commission Afzal Mahmood ne is mauka par kaha ki yahan Pakistani masnuat ki bharpoor mang hai. Bangladesh ek aisi jagah hai ki jahan pe Pakistani products ke liye bahut potential hai. किसी तरह की भी पाकिस्तानी चीज़ आप यहाँ पे लेके आते हैं तो बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी गुड्स इट इज़ वैल्यूड अ लॉट हियर और वो बिकती है। नुमाइश में शिरकत करने वाले ताजर बांग्लादेशियों की मेहमान नवाजी और पाकिस्तानी मसनूआत की मांग पर अपने भरपूर जज्बात का इजहार किया। मुझे ये एग्जीबिशन लास्ट टाइम से कहीं मतलब लेवल ऊपर ये मुझे एक अच्छी लगी है, क्योंकि इसका जो मार्केटिंग का जो मैं कहता हूँ एक जो मुझे बड़ला साहब जो मार्केटिंग करते हैं लाइक वो तो नो डाउट मुझ पर कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो मतलब मास मार्केटिंग पे जाती है, लेकिन एक पीपल में अडॉप्टिटी मुझे नज़र आ रही है कि पीपल आर मतलब लाइकिंग आवर प्रोडक्ट्स और उसको वो लेना भी चाह रहे हैं और वो यूज़ भी कर रहे हैं। काफ़ी जगह पे जाने का इतफाक़ हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी दिन गुजरे एग्जीबिशन के वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, हर तरह से एक यानी देखने में आया कि इसको प्रॉपरली फॉलोअप किया जा रहा है। और ये एग्जीबिशन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी एग्जीबिशन प्रॉपरली जिस जगह पे हो रही हो, वहाँ पर एडवर्टाइज हुई हो, वहाँ के लोकल लोगों को पता हो, क्योंकि वो आएंगे तो वो आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। और फिर जहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे बाकी जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाली मेरा स्टॉल नहीं, जितने भी स्टॉल्स लगे हैं
उन सारों ही को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। पाकिस्तान के नए सॉफ्ट इमेज इससे नज़र आ रही है पाकिस्तान की, और कितनी कैपेबिलिटी है हमारे पाकिस्तान में वो पता चल रही है, और टेक्सटाइल के हवाले से बहुत हमें अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे, और नियर फ्यूचर वी विल बी कमिंग बैक अगेन। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत अच्छे रहते हूँ, मेरा खुद यहाँ पर स्टॉल है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का, और लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, और खसूसन पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ में बहुत दिलचस्पी और उनका एतमाद है इस चीज़ पर। हमारे ऑर्गेनाइज़र जो है उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और बांग्लादेश में जो माशाल्लाह हमें लोगों की मोहब्बत मिली है और अप्रिशिएट भी किया लोगों ने हमें, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बांग्लादेश वालों की। पहला एक्सपीरियंस अच्छा था, इसलिए दोबारा भी मुझे ये खींच लाया है इसकी अट्रैक्शन। मुझे तो यहाँ का एटमॉस्फियर, यहाँ की हर चीज़ ऐसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों को मतलब पाकिस्तान के बारे में वैसे ही काफ़ी कुछ जानते हैं, और प्रोडक्ट्स का बहुत शौक है उनको पाकिस्तान के बारे में। इनकी जो है वो लाइकिंग बहुत ज़्यादा है अबाउट द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन ऑल द स्टॉल्स ओवर हेयर, दे आर लाइकिंग द स्टॉल्स। बहुत अच्छा कस्टमर है यहाँ पर ढाका में, बिजनेस बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम से भी बहुत अच्छा एग्जीबिशन जा रहा है। लोग हैंडमेड चीज़ें पसंद कर रहे हैं, स्पेशली मुल्तान की कढ़ाई की चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं मोस्टली लोग। नुमाइश में हज़ारों अफराद ने विज़िट किया, इनकी ये ख्वाहिश है कि इस तरह की नुमाइश ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सारी कपड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा है यहाँ पर, साना सफीना, साना सामिया, ये सब कपड़ा है, और अच्छे, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है, यहाँ पर बहुत कम दाम में मिल रही है। हर साल होना चाहिए ताकि एक दूसरे को पता चले कि क्या, सबसे बड़ी बात है रिलेशंस का पता चले, एक दूसरे के साथ तलुकात बढ़े, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़े, ये तो एक से दूसरे मुल्क के लिए दोस्ती का पैगाम है ना, होना चाहिए। एक तो बेशी ऑफ कोर्स जेहेतु यही शेयरटोने होच्छे सो बेशीटाई रिजनेबल एक्चुअली। मेरे सब माने सलवार कमीज सब कुछ अच्छा लगा, सलवार कमीज बहुत अच्छा लगा। स्पेशली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर वेरी लाइकेबल इन आवर कंट्री बांग्लादेश, आई वुड लाइक टू टेक ए सम लेडीज ड्रेस, लेडीज ड्रेस आर वेरी नाइस। আসলে আমার কাছে মেডলের জিনিসগুলোই ভালো লেগেছে আর কিছু কামিজ তো ভালো লেগেছে। नुमाइश में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी ताजर और विजिट करने वाले लोगों के जज्बात और राय इस नुमाइश की भरपूर कामयाबी की अक्कासी करती है। तो जी ये थी वीडियो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 100 के तकरीबन करीब स्टॉल लगाए गए थे, 100 के करीब स्टॉल लगाए गए थे, और जो स्टॉल लगाने वाले हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो प्यार और मोहब्बत मिल रहा है ये पहले नहीं मिला था, लेकिन ये सेकेंड एक्सपो लगाया गया और बांग्लादेश के अंदर मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का ये स्टॉल लगाए गए हैं। तकरीबन 100 के करीब ये स्टॉल है, और दोनों ममालिक तरफ से अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई जा रही है, और बांग्लादेश के लोग काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के बारे में, और जहां पे इतने बड़े स्टॉल में इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो लोग लेने अगर ना भी आए तो देखने के बाद भी दिल कर पता है कि ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें। तो ऐसे जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए, बांग्लादेश की गारमेंट्स की एक आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैसियत है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर गारमेंट्स के स्टॉल लगाए जाएं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा दोनों ममालिक के लिए, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि उनको अच्छे जो चीज़ें हैं गारमेंट्स की वो बांग्लादेश की यहाँ पे स्टॉल में से मिल जाएंगी, और बांग्लादेश का यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस जो है वो हो जाएगा। तो दोनों के लिए मुनाफा बख्श है, और बांग्लादेश के स्टॉल पाकिस्तान में लगें या पाकिस्तान के स्टॉल बांग्लादेश में लगें तो दोनों ममालिक के लिए बेहतरी है, लोगों को ख़रीदने के लिए अच्छी और मियारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको अच्छा बिजनेस मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।